हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉय स्वीट्स। मैं जॉय में लौट आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो मेरी आज की रेसिपी है स्ट्रॉबेरी कस्टमाइज की। तो सबसे पहले मैं दो एग्स लिए हैं और उसे अच्छे से बीट कर लिए। एग्स को अच्छे से बीट करने के बाद मैंने उसमें शुगर ऐड कर लिए और उसको फिर से मिक्स कर लिए। गाइस, मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी क्रस्ट ऐड कर लिए और उसे फिर से मिक्स कर लिए। स्ट्रॉबेरी क्रस्ट के बाद मैंने मिल्क ऐड कर लिए और मिल्क के बाद ऑयल एंड एसेंस ऐड कर लिए और इसे फिर से मिक्स कर लिए। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसे मिक्स करना पड़ेगा। अब मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिए, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और फ्लावर। इसे स्लोली स्लोली मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, मेरी केक बैटर केक बनने के लिए रेडी है। मैंने एक केक टिन लिया, उसको ऑयल ब्रश किया और बटर पेपर ऐड कर लिए और उसमें मैंने ये जो बैटर है केक के वो डाल दिए। और बैटर डालने के बाद इसे अच्छे से टैप करना है। और अब अगला स्टेप है माइक्रोवेव टेम्परेचर सेटिंग। हमें कन्वेक्शन मोड पे जाकर उसका टेम्परेचर सेट करके, उसके टाइमर सेट करके फिर उसे स्टार्ट करना है। और 25 मिनट्स के बाद हमें केक को चेक करना है। तो मैंने चेक कर लिए और मेरे केक स्पॉन्ज बन के रेडी है। और अब हमें इसे ठंडे होने के बाद डेकोरेट करना है। तो मेरे केक स्पॉन्ज ठंडे हो गए और उसे मैंने काट लिए है और शुगर सिरप कोट कर लिए है। और शुगर सिरप कोटिंग के बाद शुरू होगी क्रीम लेयरिंग। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, क्रीम लेयरिंग के बाद अब शुरू होगी क्रीम कोटिंग। तो अब हमें क्रीम से केक को एक स्मूथ फिनिशिंग देना है। और क्रीम कोटिंग के बाद मेरे अगला स्टेप है फॉन्डेंट डेकोरेशन। तो आज मैं फॉन्डेंट से केक को डेकोरेट कर रही हूँ। और मेरी फॉन्डेंट डेकोरेशन कंप्लीट और मेरी कस्टमाइज केक बन के रेडी है।